हाय, अगर आप किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक है नंबर 4। सो देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर इंटायर लाइफ एंड इन टर्म्स ऑफ योर सजेशन। क्या सजेशन आपको देते हैं हमारे ओशो ज़ेन कार्ड्स। सो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑर्डनरीनेस। ऑर्डनरीनेस का मतलब क्या होता है? ये कार्ड बता रहा है कि आप हर एक चीज़ को ऑर्डनरी मत समझे। जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ चल रही है, चाहे वो एक नॉर्मल कुकिंग करने से हो या एक ऑफिस जाने से का जो हमारा ट्रेवल है वही हो, आप हर चीज़ को ना बहुत इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करें और देखें क्या मैं इस जर्नी में मैं क्या सीख रहा हूँ या मैं क्या सीख रही हूँ। बिलीफ में आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलने वाला है, बिकॉज ये ओशो ज़ेन कार्ड जब भी कोई मैसेज देते हैं सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो मैसेज। सो आप ये वाला काम आप ज़रूर करें, क्योंकि ये सजेशन है आपके लिए कि आप कुछ ना कुछ देखें आपके लाइफ में कि जो ऑर्डनरी चीज़ है उसमें से मैं क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में निकाल सकता हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं आपके सजेशन की, तो सजेशन में आता है प्लेफुलनेस। अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा इजी बनाएं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखें कि आपके पास में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, उनको इन्जॉय करना स्टार्ट करें, रादर की जो चीज़ नहीं है हम उसके ऊपर रोना स्टार्ट करें। हाँ, उनको अचीव करने के लिए हमें काम ज़रूर करना है, लेकिन रोना नहीं है। सो इन्जॉय योर लाइफ इन दिस वीक, ये जो है ओशो कार्ड जो है आपको सजेस्ट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अगर ये रीडिंग आपके साथ में कनेक्ट करती है सो डू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। इफ़ यू वॉन्ट कम्प्लीट रीडिंग सो यू कैन टेक अ पर्सनल अपॉइंटमेंट। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टा पेज एंड यू कैन लाइक माई फेसबुक पेज ऑल्सो। थैंक यू सो मच।